बुरहानपुर जिले के रायतलाई में उचित मूल्य की दुकान में राशन वितरण ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी अनाज की हेराफेरी की गई। इतना ही नहीं, हेराफेरी के साथ ही यहां रखा अनाज सड़ गया, लेकिन गरीबों के घर तक नहीं पहुंचा। गोडाउन में चावल और कैरोसिन की जांच में अधिकारी जुटे रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 5 जनवरी को संकल्प यात्रा रायतलाई पहुंची। तब रायतलाई के सरपंच रामलाल मावसकर, उप सरपंच और ग्रामीणों ने यात्रा में उपस्थित बीजेपी के नेताओं को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद बीजेपी नेता नीलेश सातरकर ने विभाग को इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मौके पर जाँच करने पहुंचा। अधिकारी भूपेंद्र चोपड़ा ने जाँच की तो गरीबों के हक का राशन गोडाउन में सड़ता हुआ नजर आया। इससे शक की सुई पूर्व सेल्समैन के कारनामों और जांच अधिकारियों पर खड़ी हो रही है। तो रायतलाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई थी, उस यात्रा के बाद में ग्रामीणों द्वारा हमको शिकायत की गई कि यहाँ पर पंचायत भवन के में काफ़ी में चावल रहा है और कल से टैंकर में घर पड़ा है, इसका कि नहीं किया गया। तो हम लोग ओके पे जाकर देखा तो चावल पूरा सा था और तीनों ढाकर के भरे थे। उसी समय तत्काल हमने खाद्य अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी अर्चना नागपुरे मैडम से बात की, तो मैडम ने मुझे कहा कि बोले मैं कल भूपेन्द्र चोपड़ा जो यहाँ के फूड इंस्पेक्टर हैं उनको भेजती हूँ। चोपड़ा जी काम में व्यस्त होंगे, 8 दिन से आए नहीं, आज वो आए, उनके द्वारा पंचनामा बनाया गया। तो लगभग 22 कट्टे चावल जो कि खाने की स्थिति में नहीं है और लगभग 5,000 लीटर घासलेट यहाँ पाया गया, जो कि गरीब ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ पे पंचायत के भवन में चावल और केरोसिन रखा हुआ है, तो उस संबंध में जांच की है। तो प्रथम दृष्टि में आपने क्या पाया? प्रथम दृष्टि में ये पाया गया कि वो जो पंचायत के भवन है उसमें लगभग 20 कट्टे चावल के पाए गए और केरोसिन लगभग 5 लीटर पाया गया, जिसको पंचनामा बनाया गया। वो जाँच की जा रही है, पूरी जाँच करके वो संपूर्ण रिपोर्ट SDM को दी जाएगी। तो ये खबर आपको बुरहानपुर से बता दें, जहां पर गरीबों के हक का राशन गोडाउन में सड़ता मिला है। अधिकारियों ने जांच की तो इस बात का खुलासा हुआ। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोपाल जी, गरीबों के जो हक का राशन था वो गोडाउन में सड़ता मिला है, कौन है इसके अधिकारी जिन्होंने जाँच की है और क्या कुछ मामला है? गोपाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गोपाल जी, जो राशन की दुकान है जहां गोडाउन में राशन सड़ता मिला है, इसकी जांच जब अधिकारियों ने की तो मौके पर ये बात सही पाई गई है, क्या कुछ मामला है? जी मनीष जी, बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से रायतले शाहपुर के रायतले में जो है अनाज सड़ने का मामला है, इसको लेकर के जिस तरह से यहाँ पर काफी समय से जो है अनाज और केरोसिन पड़ा हुआ था, लेकिन ये गरीबों के अनाज पर जो है डाका डालने वाली बात थी, जिसके चलते यहाँ पर जिस तरह से विकास यात्रा यहाँ पहुंची, उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से देखने में आया कि आखिरकार यहाँ जो अनाज पड़ रहा है उसको लेकर के किस तरह से गरीबों की बात सामने आई कि आखिर गरीबों को क्यों नहीं मिल पाया, जिसके चलते यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी पहुंचे और यहाँ पर जो है जांच प्रारंभ की, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस जांच को लेकर के कितने जो है कार्रवाई कर पाते हैं या आखिरकार निपट करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन गोपाल जी, बड़ा सवाल यह है कि जो राशन दुकान के कर्मचारी हैं, उन्होंने ये राशन को जो परमिटधारी हैं, गरीब हैं, उनको वितरित क्यों नहीं किया? इतना सारा अनाज गोडाउन में सड़ता रहा और वो लोग गरीबों का हक मारते रहे, किसको जाता रहा ये राशन? दरअसल बड़ा सवाल यही है गोपाल जी। गोपाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी समस्या के चलते गोपाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बुरहानपुर से जहां रायतलाई में राशन की दुकान में राशन गोडाउन में सड़ता रहा, गरीबों का हक मारा जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। और अधिकारियों ने जब मौके पर जांच पड़ताल की तो गोडाउन में ये सड़ता हुआ अनाज नजर आया। हालांकि अधिकारी कर्मचारी इसकी जांच कर रहे हैं।